जिंदगी में मुश्किलें आती रहेंगी, ऐसा कोई जादू नहीं होगा, आपको अपने सपने खुद साकार करने होंगे। दोस्तों वैसे तो फिलहाल इस वीडियो को बनाने की जरूरत मुझे बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन मैंने देखा अभी भी बहुत वैसे लोग हैं जो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, नो डाउट मेहनत भी बहुत करते, तो सबको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाता या वो किसी न किसी कारण से रुक जाते हैं। आज की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि कोई भी इंसान अपने जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है, खुश नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि नौकरी करने वाला व्यक्ति दो फेज में अपनी लाइफ को जीता है, पहला नौकरी पाने के लिए, दूसरा उसे बचाने के लिए। और केवल बात नौकरी करने वालों की ही नहीं है, बात यहाँ पर उन लोगों की भी है जो फिलहाल अभी पढ़ाई कर रहे हैं, जो चाहते हैं लाइफ में कुछ बड़ा करूं। कुछ लोग वैसे भी हैं जो हाउसवाइफ हैं, कुछ लोग रिटायर्ड हैं, अलग अलग फेज में हैं, लेकिन वो उनके सपने हैं, वो चाहते हैं कुछ अपने लाइफ में बड़ा करूं, कुछ एक अच्छे मुकाम को हासिल करूं। वैसे तो दोस्तों आप सभी मुझे जानते ही हो, मेरा नाम है प्रेम मिश्रा और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल माय हिंदी एडवाइस पर। आज 300 से भी ज्यादा कंपनी, चाहे वो बड़ी हो चाहे छोटी हो, चाहे इंडिया से हो चाहे इंडिया से बाहर से हो, उनको हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और ये काम हम पिछले 3 साल से कर रहे हैं। आज हजारों लोग हमारे साथ जुड़कर अपना व्यापार शुरू कर रहे हैं, लाखों लोगों का प्यार इंटरनेट पर देखने को मिलता है, YouTube पर खास करके, उसके लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आप में से बहुत लोगों के बहुत सारे मेल आते हैं, बहुत सारे कमेंट आते हैं जिसको मैं देखता हूं, और मैंने देखा बहुत सारे लोगों के कमेंट ऐसे थे, बहुत सारे लोगों ने पर्सनली मेल किया, बताया कि सर हम लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। बहुत लोगों ने यह कहा कि सर मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है। बहुत लोगों ने कहा सर हम उतने पढ़े लिखे नहीं है, हम क्या करें हमें समझ नहीं आता, लेकिन हमारे अंदर है कि हमें कुछ अलग हटके करना है। कुछ लोगों के तो देखने को यह भी मिला कि उन्होंने अपना कुछ शुरू किया, 10,000-20,000 लाख रुपए लगाए और नो डाउट अपने तरफ से पूरा बेस्ट दिया, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए, बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिली। और रियली में बहुत लोग तो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उस इन्फॉर्मेशन को की वजह से बहुत लोगों का नुकसान हो, क्योंकि उनको प्रॉपर वे में पता नहीं था काम क्या करना है, कैसे करना है। दोस्तों बस वही एक रीजन रहा कि मैं आज ये वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि मेरा टारगेट ये है कि जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, वो नौकरी ना करके अपना बिजनेस करे, कुछ अलग करे, ताकि वो भी बहुत अच्छा पैसा कमाए और साथ में एक अच्छी ऊंचाई को अपने समाज में हासिल करे। और मेरी गारंटी है बस आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखना है। दोस्तों मेरा जन्म बिहार के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट अररिया डिस्ट्रिक्ट एक छोटे से गांव में हुआ था और मैंने 8वीं तक की पढ़ाई वहीं करी। उसके बाद दोस्तों मैं दिल्ली आया, दिल्ली में एक सरकारी स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ। तब से मेरे अंदर कुछ क्रेज था, कुछ अलग करने का, कुछ अलग मैं करना चाहता था। इसलिए एक दिन मैं बस से जा रहा था तो मैंने देखा कि एक पैम्पलेट लगा था, उस पर एक नंबर लिखा था कि इस पर कॉन्टैक्ट करो और जो है आप आओ ऑफिस, और सारी चीज़ें लिखी हुई थी कि आप वीक के 10,000-12,000 कमाओगे। तो मैंने सोचा कि बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, महीने का 40,000-45,000 कमा लूंगा। मैंने कॉन्टैक्ट किया और आप बिलीव नहीं करोगे, करीब 15 दिनों का सफ़र रहा वहाँ पर, बहुत मेहनत किया, लेकिन बाद में पता चला कि वो एक फ्रॉड कंपनी थी और मेरा ऑलमोस्ट 5,000-7,000 रुपये का नुकसान हुआ। उसके बाद फिर जो है मैंने नोट देखा कि यार यहाँ पर बच्चे पढ़ते कम है, बाकी काम ज़्यादा करते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना स्कूल चेंज करा लूँ। और उसको देखते देखते मैंने, मेरे मार्क्स भी अच्छे थे, और सबसे बड़ी बात कि जिस स्कूल में मैंने अप्लाई किया वो था केंद्रीय विद्यालय, उसमें सीट थे, तो मेरा वहाँ पर एडमिशन हुआ। और वहाँ पर जब मैं पहुँचा तो एक अलग ही माहौल था, वहाँ पर बच्चे 1995 वाले थे और मैं इकलौता अपने सरकारी स्कूल का टॉपर था जो कि 70-75-80 वाला था। तो वहाँ भी बहुत सारी परेशानियाँ देखी। वहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ कि मुझे अंग्रेजी का उतना नॉलेज नहीं था, इंग्लिश बोलना नहीं आता था, फिर भी मैंने वहाँ पर स्ट्रगल किया और चीज़ों को समझा। तो मेरे मन में आया कि क्या ऐसा करूँ मैं घर बैठे जिससे मैं काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकूँ। तो तब से मेरा सफर स्टार्ट हुआ यूट्यूब पर। यूट्यूब पर मैं आया, यूट्यूब पर जिस टाइम मैं आया था उस टाइम मैं 12वीं क्लास में था और जियो नया नया आया ही था उस टाइम पे, तो मेरे पास एक छोटा सा फ़ोन था जो कि पेरेंट्स ने दिलाया था, तो उसमें 2 मेगापिक्सल का कैमरा था। और मैं जो पहला वीडियो शूट किया था वो अपने बाथरूम के अंदर किया था, इसलिए कि कोई देखकर मजाक ना उड़ा, और मेरे पास उतनी चीज़ें अवेलेबल नहीं थी कि मैं काम कर सकूं। यहाँ पर मुझे एक चीज़ सीख मिली कि अगर आप कुछ करना चाहते हो तो आपको उस पर कंटिन्यू रहना पड़ेगा, आपको डेडिकेटेड रहना पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात कि उसमें आपको अप और डाउन दोनों आएंगे, आपको दोनों में स्टेबल रहना पड़ेगा, तभी आप जेन्युइन तरीके से और सही तरीके से काम कर पाओगे। तो चीज़ें मैंने क्या देखी कि यार बहुत लोग हैं जो कि काम तो करना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन लोगों को पता नहीं, इन्फॉर्मेशन नहीं है। और दो प्रॉब्लम मैंने देखी। पहली चीज़ तो ये कि जो एंड यूजर है जिसके पास 10,000-15,000-5,000 इन्वेस्टमेंट है, वो कुछ करना चाहता है लेकिन उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाता, वो चीज़ों को पता नहीं है क्या करूं, कौन सा बिजनेस करूं, ऐसा कुछ ऐसा हो सकता है जो मैं घर से कर सकता हूं।
और साथ में जो दूसरी प्रॉब्लम देखी वो ये कि जो बड़ी कंपनीज थी उनका जो प्रोडक्ट या सर्विस जो भी है उसको कस्टमर तक पहुंचाना। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं बीच में काम करूं, मैं लोगों को बिजनेस स्टार्ट कराने में मदद करूं, साथ में जो बड़ी कंपनीज है उनको। दोस्तों बस यही सब चीजें जो मैंने पिछले 3 साल में एक्सपीरियंस किया है, किस तरीके से बड़ी कंपनीज अपने प्लान को एग्जीक्यूट करती, किस तरीके से वो मार्केट में अपने कस्टमर बेस को बढ़ाती है, किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से वो लॉस में जाती है तब भी वो काफी अच्छे लेवल पर ग्रो कर जाती है, और साथ में किस तरीके से हजारों लोग अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं, चाहे वो 10,000 लगा के हो, चाहे 20,000 लगा के हो, चाहे 50,000 लगा के, और किस तरीके से वो लोग घर से अपना काम शुरू करके लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं। इन चीजों को मैंने सालों से एक्सपीरियंस किया और चीज़ों को देखा और समझा, और फाइनली मैंने टारगेट किया कि अभी भी बहुत वैसे लोग हैं जिनसे मैं कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूं, जिनको मैं समझा नहीं पा रहा हूं, जिनको चीज़ें पता नहीं चल पा रही हैं, उनके लिए मैं एक कोर्स लेकर आया। दोस्तों सबसे बड़ी बात इस कोर्स की ये कि जो भी लोग चाहते हैं अपना घर बैठे अपने कुछ काम शुरू करना, कम लागत से ज़्यादा लागत तक किस तरीके से काम करना है, क्या आइडियाज होंगे, किस तरीके से काम स्टार्ट करना है, किस तरीके से कस्टमर बेस आएंगे, किस तरीके से आप अपने बिजनेस को एक अलग लेवल पर लेकर जा सकते हैं, और सबसे बड़ी बात कि अगर इस कोर्स में कोई भी जुड़ता है तो उसको पर्सनली एक हैंड होल्डिंग के जरिए जब आप शुरू करेंगे, चाहे वो 10,000 लगा के चाहे 20,000, तब से किस तरीके से मार्केट में आप पकड़ बनाएंगे, किस तरीके से आप काम करेंगे, तब से लेकर जब तक आप प्रॉफिट नहीं कमा लेते, जब तक आप अपने बिजनेस में एक अलग लेवल तक नहीं पहुंच पाते, तब तक मैं आपको पूरी तरीके से सपोर्ट करूंगा। पूरा जो अपना 3 साल का एक्सपीरियंस है वो आपको दूंगा ताकि आप अपने बिजनेस में एक नेक्स्ट लेवल पर जा सको, क्योंकि मेरा टारगेट शुरुआत से ये रहा है कि भाई जॉब में कुछ नहीं रखा, करना है तो अपना बिजनेस करना है। तो इस कोर्स की सबसे खास बात यही है कि जो भी लोग इसके साथ जुड़ेंगे वो वैसे लोग होंगे जो अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, और यकीन मानो गाइस अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो इसका सिंपल सा मतलब यही है कि आप अपने लाइफ में कुछ अलग करना चाहते हो, और इस कोर्स में वही अलग आपको दिखाया जाएगा। अगर आप अपना काम शुरू करना चाहते हो, आपका इन्वेस्टमेंट कितना जाएगा, कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना है, 50 अलग अलग बिजनेस के बारे में बताया जाएगा पूरा इन्फॉर्मेशन, कैसे स्टार्ट करना है, कहां से मशीनरी खरीदनी है, कहां कौन सा माल आपको खरीदना है, कहां से चीजें होंगी, कहां से आप कस्टमर बेस बनाओगे। सबसे बड़ी बात यही होती है कि आज की डेट में कस्टमर बेस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से आप अपने बिजनेस को ऑफलाइन से लेकर ऑनलाइन तक लेकर जाओगे, किस तरीके से आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट करोगे, किस तरीके से चीजें होती है, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, किस तरीके से आप CRM मतलब कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट को कंट्रोल करोगे, किस तरीके से कस्टमर से कांटेक्ट करोगे, क्या आपका कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, ताकि अगर आप अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो उसका एक आपको मेरे साइड से कंट्रीब्यूशन मिल सके। दोस्तों फिलहाल तो ये कोर्स प्री लॉन्च में चल रहा है और अभी बहुत लोगों ने अपना सीट बुक कर लिया है क्योंकि वो चाहते हैं लाइफ में कुछ बड़ा करना, और यकीन मानिए दोस्तों वैसे इस वीडियो को तो बहुत लोग देखेंगे, बहुत लोग कमेंट करेंगे, बहुत लोग लाइक करेंगे, बहुत लोग शेयर करेंगे, लेकिन इस वीडियो को अगर अभी कोई देख रहा है तो वो आप हो, और आप इसलिए देख रहे हो क्योंकि आप अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो। इस कोर्स में केवल वही लोग इनरोल करेंगे जो चाहते हैं मैं कुछ बड़ा करूं, कुछ हटके करूं, कुछ ऐसा करूं जिसमें मैं नुकसान मुझे 1 रुपए का ना हो, वही लोग इस वीडियो अभी देख रहे हैं और वही लोग जो है इस कोर्स में इनरोल करेंगे। तो फटाफट आप इस नंबर पर कॉल करो ताकि आप भी हमारे साथ जुड़कर अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हो तो हम आपको हेल्प कर सके, आपको बता सके, चीज़ें समझा सके, और आपको टाइम टू टाइम गाइड कर सकूं, पर्सनली लाइव आकर आपके साथ जुड़कर आपको चीज़ें समझा सकूं, और सबसे बड़ी बात कि लाइफ टाइम जब तक आप अपने बिजनेस में हो आपको चीजों के बारे में बता सकूं, कुछ अलग दिखा सकूं। तो दोस्तों फटाफट आप इस नंबर पर कॉल करके सारा डिटेल ले सकते हो, क्या क्या चीजें हैं आपको समझ सकते हो, और मिलता हूं बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों इस कोर्स का टारगेट केवल ये नहीं है कि आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जा सके, इस कोर्स का टारगेट ये है कि अगर आप अपना बिजनेस शुरू करते हो तो आपको चीजें समझाई जाए, कैसे बिजनेस स्टार्ट करना है, 50 अलग अलग आइडिया आपको दिया जाएगा, साथ में आपको क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी फॉलो करना है, किस तरीके से फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना है, किस तरीके से चीज़ों को और डेवलप करना है, किस तरीके से आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर जाओगे, ऑफलाइन में किस तरीके से काम करोगे, किस तरीके से आप कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बनाओगे, किस तरीके से आप कस्टमर को मैनेज करोगे, किस तरह से आप प्रोडक्शन करोगे या जो भी चीज़ें करोगे, किस तरह से आप अपने बिजनेस का एडवर्टाइजमेंट करोगे, और सबसे बड़ी बात कि आपका कम लागत में एक अलग लेवल पर आप पहुंच सकोगे, उसके बाद किस तरीके से आपका जो बिजनेस में सेल है
सेल तो हर कोई करता है, लेकिन आप अपने बिजनेस में अपने सेल को किस तरीके से 5 गुना बढ़ाओगे, 5x करोगे, वो इस कोर्स का सबसे बड़ा टारगेट है।